पूरा नियमावली आपको दे देंगे, दिखा देंगे, आप भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हमसे जितना प्रश्न करना है सारे जवाब देंगे, लेकिन पारा टीचर के इस बार नैया पार होगा। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, जो हार जो कहिए सब एक ही है, लेकिन पारा टीचर और सामान्य टीचर दोनों एक नहीं होगा, ये बात तय हो गया है। पिछले कई सालों से पारा टीचर अपनी समस्या को लेकर आंदोलन किए, मार खाए, पुलिस का डंडा खाए। उसके बाद जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री है वो पूरी सहानुभूति के तहत कहे कि नहीं, हम पारा टीचर का कल्याण करेंगे, लेकिन अधिकारी कुछ नया पेच लेकर आए हैं, नया समझा रहे हैं कि जो एग्जाम देना है पारा टीचर को, जो टेट है उसको तो एग्जाम नहीं देना है, मान लीजिए पास, लेकिन जो टेट पास नहीं है अगर वो एग्जाम देता है तो वो वेतन मान का परिवर्ती मत करे कि हमको दूसरा टीचर वाला मिलेगा। क्या है मामला, हम पूछ लेते हैं। जगन्नाथ महतो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जगन्नाथ दा, बड़ा अशोक पेश में है पारा टीचर कि हमारा वेतन मान देता हूँ कि नहीं देता हूँ, से एकदम क्लियर पूछ के आइए, इससे बोलता है। आप साहब बोल रहे हो, हाँ, पारा टीचर के एकदम हमारे प्राथमिकता में हो, ठीक है ना, ओकर समस्या हाल है तो, और जे बैठक में तय भेल हो कि बिहार के नियमावली हूबहू लागू करेंगे, तो उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो वो लोग कह रहा है कि हम नहीं खाए के बना लो पराठा ही देता, खाली रोटी सूख ले। अरे भैया ऐसा कुछ बात ना है, बिहार के नियमावली में तय भेल लेकिन, हाँ तो वहाँ तो हटा दिया था जो पास नहीं किया तीन बार में, तो आप तो कह रहे कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, हम रखेंगे। हम अभी इसी में थोड़ा लेट हो रहा है, हाँ। हम प्रयास कर रहे हैं, तीन बार के बाद आकलन परीक्षा के बाद भी यदि हम लोग का यही फर्क थोड़ा कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं नहीं हटाए। तो लेकिन एक बात उठ रहा है कि जो टेट पास पारा टीचर है, अरे भाई टेट पास हो, हाँ, चाहे आकलन परीक्षा हो, हाँ, जब 100 बात का एक जवाब है कि सब राजी है बिहार के नियमावली में, जब बिहार के नियमावली में हम बाया दाया करेंगे तब ना हम पीछे हटेंगे, हम तो पीछे हट नहीं रहे, हम एकदम खड़ा है जहाँ तक बेसिक कर रहे हैं। लेकिन एक बात आ रहा है कि अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि आकलन परीक्षा ही तय नहीं कर देगा कि टीचर के है, ठीक है, जो टेट पास करेगा वही टीचर है, बाकी कोई टीचर हम नहीं मानेंगे। नहीं, हम उसमें वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमसे कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन जो मीटिंग हुआ है अष्टमंगल पारा टीचर के साथ, अधिकारी के साथ, मेरा साथ, तो उस पर हम तय हैं एकदम, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें तय एकदम तय है। सबको ग्रेड पे दीजिएगा, सबको वेतन मान लागू होगा जो आकलन परीक्षा पास कर जाएगा, उस पर यदि बिहार दिया होगा तो हम लोग भी देंगे, बिहार नहीं दिया होगा तो नहीं देंगे। जब बिहार की जब बातें हुआ है ना, सब हमारे यहाँ मत ना के बात नहीं, बिहार में जो जिस तरह का बना है आपका नियमावली, उस नियमावली के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि जो तीन बार एग्जाम लेंगे पारा टीचर का, पास कर गया तो वो तो जो बिहार किया हम वो करेंगे, जो नहीं पास किया उसको भी हम नहीं हटाएंगे बिहार में, हमें तो उसको वेतन क्या दीजिएगा, नहीं हटाएंगे नहीं, हाँ, प्रयास कर रहे हैं, अच्छा, कि वो भी बहुत दिन तक सेवा दिया है, अपना सेवा पहले तो नियमावली में तय था कि हम लोग अस्थायीकरण किया जाए, अस्थाई मने 60 साल तक, पहला नियम में है कि 60 साल तक उसको कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है।
ग्रेड पे वेतन ई वाला में मामला, ई वाला मामला जो तय हुआ है बिहार का जो नियमावली, अब भी आइएगा तो पूरा नियमावली आपको दे देंगे, दिखा देंगे, आप भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हमसे जितना प्रश्न करना है सारे जवाब देंगे, लेकिन पारा टीचर के इस बार नैया पार होगा। अच्छा, ये आप सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे अगर हम कह दें, जैसे आप कहते कि हम इस साल 2021 में एकदम क्लियर कर देंगे, कहते ना आप कि 2021 क्लियर कर देंगे हम पारा टीचर। अभी तो क्लियर 21 खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो आचार संहिता लग जाएगा ना, कैसे आप कीजिएगा, उसके पहले कर देंगे। उसके पहले कर दे आलमगीर साहब कर, हमको तुरंत चुनाव कराना है, हम सब नहीं जानते आरा पारा टीचर, हमको आचार चुनाव कराना है, तो आचार संहिता लगेगा, आचार संहिता में आप कीजिएगा तो फिर विपक्ष हल्ला करेगा, कोर्ट चला जाएगा। मैं विपक्ष के क्या करना है, पार्टी नहीं करना है, आचार संहिता में नहीं करना देगा ना, आचार संहिता तो विपक्ष का चीज नहीं है, चुनाव आयोग का चीज है, नियम कानून का चीज है, लेकिन हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पारा टीचर से हम मिठाई खा ले पहले एडवांस में, ऐसा होता है बिना काम का मिठाई होता है। ठीक है, खुशहाली काम में होता है तब ना मिठाई होता है। ठीक है, जो जो पारा टीचर संदेह में थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब मत जाइए, मंत्री जी ने कहा कि जो बैठक में तय हो गया है, जो बिहार में है, हू बहू यहाँ पर होगा। मेरी एक व्यक्तिगत कोशिश है कि बिहार में 3 बार एग्जाम लेने के बाद जो पारा टीचर पास नहीं कर पाए उनको नौकरी से हटा दिया गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय पढ़ाया है, अपनी सेवा दी है, ये अभी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अधिकारी पे दबाव बना रहे, बोले उसी में लेट हो रहा, नियम ऐसा बनाएंगे ताकि कोर्ट में चैलेंज ना करे कोई, कह रहे हैं बाकी काम होगा और बहुत जल्द होगा, पारा शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो बैठक में बात तय हुआ था वही फाइनल है, बाकी इधर उधर की खबरों पर आप ध्यान मत दीजिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं।